आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मैं कहूँगा, बिकॉज शी इज़ बिन डूइंग म्यूजिक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. एंड आओ थोड़ी बहुत इनसे और बातें करते हैं, पता करते हैं इनकी जर्नी के बारे में. सो साक्षी, वेलकम टू द शो. हाँ जी. सो साक्षी, जितने हमारी ऑडियंस वगैरह हैं जिनको आपके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं होगा, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कौन है, कहाँ की जर्नी क्या थी? हाय एवरीवन, मेरा नाम साक्षी रत्ती है. मैं बहुत टाइम तो म्यूजिक कर रही हूँ, तो मेरे थोड़े मोटे सॉन्ग्स भी आए हैं. तो जिवें जिवें इंटरव्यू अगे वधेगा उवें उवें मैं अपने गाने जो भी कोई थोड़ा सुनाऊंगी तो थानू शायद थोड़ा थोड़ा मेरे बारे आइडिया हो जाएगा. सो साक्षी, आपकी जैसे आपने थोड़े पहले से बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप म्यूजिक काफ़ी टाइम से कर रहे हैं जी. सो मोटिव क्या था म्यूजिक में घुसने के लिए आपका? ऑनेस्टली पहला मैनू भी नहीं सी पता कि मोटिव है. मैनू सिर्फ इन्ना पता सी कि मैनू गाना पसंद है. बस स्कूल दे दिनों तो ही मैं शुरू करता सी गाना, पर उदो सिर्फ हॉबी दी तरह सीगा. ते बस ग्रेजुअली मेरे एक टीचर ने मेरे पेरेंट्स नो अप्रोच की थी एंड उन्होंने कहा कि इहदी आवाज़ सोहनी आ ते इहनू सिखाओ मतलब प्रोफेशनली. फिर उस तो बाद मैं सीखना शुरू किया, पर उदो भी मैनू कदी ये सोच के नहीं, मैं मेरे लिए कदी म्यूजिक एवें कम सीगा ही नहीं कि इहनू प्रोफेशनल करना है या कुछ है. मेरे लिए बस वो इंजॉयमेंट का सोर्स सीगा. ਤਾਂ ਬਸ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ. ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਈ ਥੀ ਇਸਕੇ ਮਤਲਬ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਗੋਲਡੀ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਅੱਛਾ, ਨਾਈਸ. ਓਕੇ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ. ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਫਨ ਵੇ ਮੇ ਆਪਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਥਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪ ਕਰੀਅਰ ਹੀ ਬਨ ਗਿਆ ਆਪਕਾ ਇਸਮੇ. ਸੋ ਆਪ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਜਾਤੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੁਛ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਯੂਕੇਲੇਲੇ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੋਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ. ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕੋਰਡਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਲੇਜ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਸੋ ਆਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਆਪਕੇ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਕਹੀਂ ਪੇ ਆਪਕੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਹੀ. ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਆਪ ਜੈਸੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ अलग अलग हर गाने में ना अलग वाइब होती है, तो वो जो वाइब रहती है, आप गाना बनाने से पहले आप सोचते हो आपका मतलब क्या प्रोसेस क्या रहता है उसका, कि मैं इस तरीके से म्यूजिक में ये वाला गाना ऐसे बनेगा या फिर ये थोड़ा फोक टाइप बनाएंगे, उसका आपका पूरा प्रोसेस क्या रहता है? इनिशियली सिर्फ ये होता है कि एक चंगे लिरिक्स मिल जाए, जेडे ओवरऑल सारी टीम नू, जे टीम च पांच मेंबर है ते सारे दी रजामंदी होवे कि ये लिरिक्स सारे नू पसंद आ ते वो कर लिए. फिर उस तो बाद होता है कि लिरिक्स की डिमांड कर रहे, उहदे च किवें दा म्यूजिक है, फिर I just go with the flow कि इनू ए टोन चाहिए है, इनू एवें दी वाइब चाहिए है, फिर वोकल नू किवें आपां मॉड्यूलेट करना, फिर मैं उस हिसाब नाल I just go with that. So that's very nice. So आपने आपके गाने और जब आते हैं, आपने इसमें म्यूजिक वीडियोस अभी तक शूट करे हैं कोई या फिर only just audio? Most of the मेरे songs दी वीडियो हैगी है ना. प्रोजेक्ट उसमें आपने फीचर किया obviously? हाँ, फिर ठीक है, that's a good thing. आजकल काफी लोग ये करते हैं ना, खुद नहीं वो अलग से मॉडल्स वगैरह का नॉल हायर करके वो लोग करते हैं. सो ओके, परफेक्ट. अभी आपका जो कोई लेटेस्ट जो गाना है, वो आपका कौन से वाइब का, उसका कौन सा वाइब था गाने का? मैं अब द मेरा वन ऑफ द जेड़ा फेवरेट गाना सी, जेड़ा लेटेस्ट भी सीगा, वो रोमांटिक जॉनर, रोमांटिक जॉनर पे. तो आपको रोमांटिक ज्यादा पसंद लगता होता है या फिर फोक वाइब में हम चले जाएं, वो कौन सा ज्यादा आपको बेटर लगता है? आई थिंक इट प्योरली डिपेंड्स ऑन माय मूड. ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗਾਣਾ. ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੇਕਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਲੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈਡ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ. ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ. ਡਨ ਡਨ. ਸੋ ਆਪਕੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਆਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਪਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕਰੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੇ ਲਿਏ ਆਏ ਥੇ? ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਹੈ. ਓਕੇ. ਸਕੂਲਸ ਡਿਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ. ਆਏ ਨਾਈਸ. ਓਕੇ. ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਆ ਹੁਣ. ਆਏ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੇ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਤੇ ਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਸੇ ਰਿਲੈਕਸ ਇੱਕਦਮ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਕਸ ਆਫ ਬੋਥ ਸੀਗੀ. ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਮਸਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ. ਸੋ ਆਪਕਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਆ ਹੋਗਾ, ਸਕੂਲ ਮੇ ਹੀ ਹੋਗਾ? ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ. ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ. ਹਾਂਜੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ
कोई ग्रुप ने कोई स्किट परफॉर्म करनी सी, उदों मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड दे विच सीगी टू बी वेरी प्रिसाइज़ उदों, ते उन्हां दा ना कोई जिवें सीडी नहीं पांदे कि कोई गाना उन्हां दा चलना सी बैकग्राउंड ते उह सीडी चल नहीं सी रही उन्हां दी, तां मेरे क्लास इंचार्ज उन्हां नूं पता सी कि इह कुड़ी गाउंदी आ, तां उन्हां ने अनाउंसमेंट कीती कि साक्षी स्टेज ते आ जावे। उदों मैनूं कोई आइडिया नहीं सी वी क्यों बुला रहे, ते उन्हां ने मैनूं कहा कि तुसीं कुछ गाओ चलो, मतलब जिवें पेरेंट्स नहीं किसी रिलेटिव दे आन ते कहंदे कि चलो गाओ, ते उन्हां ने उदां कहा। फिर उदों मैं यशोमती मैया से बोलनंद लाला ओ मैं भजन गाया सी उदों। उस टाइम नर्वसनेस होएगी काफी क्योंकि अचानक से बिना बहुत ज्यादा, मैनूं तां हुण वी नर्वसनेस हुंदी है कोई भी स्टेज ते जाण तों पहलां, ते मैनूं लगदा कि नर्वसनेस होणी जरूरी भी है, तुसीं स्टेज दी कदर करदे हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, नर्वसनेस मतलब इंपॉर्टेंस रहती है मेरे हिसाब से। So, अभी आप लाइव परफॉर्मेंस एंड ऑल कहीं पे आप परफॉर्म करते हैं आजकल? जी 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 बिल्कुल। कहाँ पे? मैं फिलहाल रिसेंटली हुणे एक पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच उन्हां दा ना हर साल एक बहुत वड्डा कह सकते फेस्ट हुंदा, ते उत्थे उन्होंने मैनूं एज अ चीफ गेस्ट रखदा सी, मेरे लिए बहुत वड्डी गल सी क्योंकि जिथों पढ़े आ उत्थे तुहानूं मान सत्कार मिलदा है, ते बिल्कुल बिल्कुल वड्डी गल है। नहीं तो आपका अब जैसे होता है हर म्यूजिशियन का ड्रीम रहता है कि उनको लाइव कहीं पे परफॉर्म करना है, जैसे अगर मैं म्यूजिशियन होता मेरे को सुपर बोल में करना होता, जहाँ पे अमेरिका में होते हैं ना सुपर बोल का, वो मेरा होता अगर मैं गाना गाता तो। ओके, ऐसे आपका क्या है ड्रीम स्टेज? मेरे लिए अभी कोई पर्टिकुलर हमें नाम या कोई शहर नहीं है, पर मैं हमेशा जो भी ये इमेजिन कर दिया कि मेरी ये बेस्ट स्टेज होएगी, वो एवं होंगी है कि रात का कोई कॉन्सर्ट है जिथे मैं स्टेज ते सारी स्पॉटलाइट्स एंड ऑल नहीं होंगे एक आर्टिस्ट के उपर, तो सामने जिन्हें भी लोग है मैनू इंट्रोड्यूस ना करना पवे कि मैं कौन हाँ स्टेज पर, सबन पता है तो सारे मैनू देख उ आए हैं, तो सारे की फ्लैश लाइट्स ऑन है, तो एवरीबडी सिंगिंग अलोंग विद मी, मेरे लिए वो मेरा ड्रीम है। आपके साथ अगर कोई आप चाहते हो कि कोई आर्टिस्ट आपके साथ कोलैब करे, व्हिच विल बी द आर्टिस्ट? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं कभी हमें बैठ के सोचा नहीं कि मैं इन्ना नाल कोलैब कर रही हूं, बट देयर इज दिस आर्टिस्ट हरनूर है उन्हां दा नाम, ते मतलब उन्हां दी ना एक एल्बम आई सी 8 Chances करके, ते एवर सिंस दैट एल्बम हैज रिलीज्ड मैं उन्हूं इन्ना के रिपीट तो सुने कि नाउ आई जस्ट वॉन्ट कि मैं कोई कोलैब करा, पर एवं कोई ड्रीम नहीं कह सकते, बट आई रियली विश। साक्षी, अब जैसे आपने मुझे बताया कि आप हरनूर के साथ आपको कोलैब करना है, जी तो आपने कभी सोचा है? काफी जो आर्टिस्ट होते हैं पंजाब में उनका एक ना मैंने काफी लोगों का ही देखा, उनका एंड गोल होता है बॉलीवुड में मूवी में काम करेंगे, आपने सोचा है कभी कि आप एक्टिंग के साइड में भी जाना चाहते हो? आई मीन इफ इट कम्स अलोंग विद इट तो मना तो कोई भी नहीं करता, तो मैं भी नहीं करूंगी। हाँ जी। पर मेरा पैशन म्यूजिक ही है, तो मैं म्यूजिक नहीं कभी छड़ना, बाकी जो मर्जी हो जाए मैं भावे कुछ भी बन जा म्यूजिक ही रहेगा, म्यूजिक रहेगा रहेगा। डन। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू आस्क इज अब जब आप आए थे व्हाइल कमिंग ऑन योर वे, आपके स्पॉटिफाई का आप कौन सा ऐप यूज करते हैं गाने के लिए? स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई पे आपके टॉप 3 आर्टिस्ट कौन है अभी, इनके आप गाने सुनते हो अभी? एक तो हरनूरी ऑब्वियसली क्योंकि मैंने उनकी बहुत एल्बम रिपीट ते चलाई है, ते एक रिसेंटली उन्होंने निर्वैर पन्नू का एक गाना आया सी लेट मी नो करके, मतलब मेरे लिए ना एक बहुत औखा होंदा कि मैं कोई नवी चीज सुना, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੰਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਿਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, सो अभी थोड़े एक ना हम लोग हमेशा एक सेगमेंट करते हैं जिसमें मैं रैंडम क्वेश्चंस पूछता हूँ, जस्ट टू गेट टू नो यू लिटिल बेटर। सो इसमें अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैव सबसे पूछता हूँ मैं इज, अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी कमरे में आप जा रहे हो, आपने डोर ओपन किया और आप अंदर एंट्री करते हो और एंट्रेंस में गाना बजेगा, व्हाट विल बी योर एंट्रेंस सॉन्ग? I have no clue about it. मतलब कभी नहीं सोचा, नहीं इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। कुछ भी चला दो, मतलब आप डिपेंड करता है आप केड़ी जगह एंटर कर रहे हैं, हर एक जगह ले सेम गाना तो नहीं हो सकता। नहीं हां, बट एक अगर हो जैसे रेसलर्स करते हैं ना कि रेसलर्स की एंट्रेंस पे एक गाना बजता है, वैसे टाइप का था एक ना, मैं सोचा नहीं है, मैं अगेन बहुत रैंडम जवाब दे रही हूं। क्वीन मूवी सी ना एक, ओदे विच वो गाना सी ना 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 ना, मतलब वो जो इंट्रोडक्शन है ना बहुत हाइप वाला है, जब वो स्टेज एंट्री करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे नाइस। आप सुपर हीरो मूवीज देखते हो कभी? कभी फॉलो नहीं किया, सो क्वेश्चन ही कैंसिल कर देते हैं, मैंने पूछना नहीं सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई सुपर पावर्स मिलती हैं कभी कि आपको मतलब दे रहा है कोई भगवान की, आप या तो उड़ सकते हो या स्पाइडरमैन बन सकते हो, ऐसा कौन सा सुपर पावर आप चूज करोगे?
टू रीड पीपल्स माइंड. अच्छा, वेरी स्मार्ट, नाइस नाइस. उससे आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? क्योंकि ना कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है तो ये सोचता है कि सामने वाला बंदा भी मेरे ही वर्गा है, कि जे आपा किसे नाल बहुत वधिया तरह ते आपा नूं लगदा है कि वो भी अपने नाल वधिया ही होगा, पर असल दे विच नहीं होता है. मतलब आई वुड रियली लाइक टू नो व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, कि है ना कौन है कोई बंदा, कि ट्रेलर मिल जाता है. सो आपको हॉरर मूवीज ज्यादा अच्छी लगती हैं या रोमांटिक मूवीज? हॉरर एनी डे. हॉरर? या अच्छा ओके, मैं हॉरर नहीं देख सकता. हॉरर में कौन सी फेवरेट लगती है आपको मूवी? मैं बहुत सारियां देखी है. रिसेंटली हमने मैं एक मूवी देखी थी 13B करके, एक्चुअली पापा ने रेकमेंड की थी, मैं देख ली. इतनी हॉरर सी नहीं, पर काफी देखी है मैं हॉरर मूवी. द रिंग वगैरह टाइप्स, एनाबेल वगैरह. ओके ओके, मेरा एक इंसिडेंट हुआ था एनाबेल देखने में. पीवीआर गया था मैं, जंप करके साइड वाले की सीट पे बैठ गया, तो बहुत डर लगता है, किसी देखता नहीं होता. मैं कभी हॉरर थिएटर नहीं देखी क्योंकि उनने मिर्च भी नहीं कट सके, पर वैसे मैंने देखनी पसंद है, डर लग जाता है फिर. डन डन. आपको कैट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं डॉग्स? मैंने दोनों ही पसंद है क्योंकि मेरे घरे दोनों ही पेट्स है, एक कैट भी है डॉग भी है. अच्छा, वेरी नाइस. वो उनकी बनती है आपस में ऐसे? वो की नहीं नहीं, बिल्कुल. डॉग जड़ा वो बहुत जिमे बढ़िया है ना, बहुत सिंसियर जाते. बिल्ली जो तो नेड़े आंदा वो तो मार. ठीक है, अभी आपको एक आइलैंड में छोड़ दिया गया है. ओके, एंड आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको दो चीजें अलाउड हैं लेके जानी अपने साथ, कोई भी चीज हो दुनिया की आप लेके जा सकते हो, बट ओनली दो चीजें. आप क्या लेके जाओगे अपने साथ? उते खाना पीना अवेलेबल हैगा? खाना वगैरह कुछ नहीं, जस्ट खाली आइलैंड में आपको छोड़ दिया बस. एक तो बुफे लगा खान पीन बहुत कुछ हुए. तो एक फोन, फोन. ओके ओके, परफेक्ट. सो आप मतलब फूडी काफी हो, आपको फूड खाना सकते हैं? बहुत पसंद है. तो यहाँ पे चंडीगढ़ में आपको फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ पे आप जाते हो? मैं बहुत फूडी हूँ, पर मैं घूमती नहीं हूँ, मैंने घूमना बिल्कुल नहीं पसंद है. मैं बहुत मतलब एवं इंसान हाँ कि बहुत इंट्रोवर्ट हाँ, कि आपके रूम चो मतलब मैनू मतलब अनहेल्दी एक लेवल का जो होंगे ना कोई बंदा कि जो आपके आप ना समय बिता सकता, मैं उस लेवल दी हाँ. अच्छा, मेरे फ्रेंड्स या पेरेंट्स भी इवन कहते हैं कि बाहर निकले कर थोड़ा कि तेनों स्वाद आंदा है, तेरे दिल लग जाता है. तो आई एम लाइक कि वाह, मैं तो बहुत स्वाद आंदा है इकल्ले रह के, कुछ भी करो. तो खाना वगैरह सारा जोमैटो पे फिर? नहीं, मैं खुद बहुत वधिया बना. अच्छा, खुद भी कुकिंग करना? अरे वेरी नाइस. आपका फेवरेट डिश क्या बनाने के लिए? जेड़ा मैं खुद वधिया बनानी हां, मैं भिंडी बहुत वधिया बनानी हां, मैं पास्ता वगैरह भी वधिया बना लेनी हां. भिंडी अपनी ड्राई ड्राई भिंडी सब्जी ना, कुरकुरी नहीं, जेड़ी नॉर्मल रोटी ना. हां अच्छा, ओके ओके ओके, मैं वो फ्राइड रही. ठीक है, नाइस. अभी आपको जैसे कि मूड सॉन्ग्स जो होते हैं काफी मूड एंड ऑल पे डिपेंड करते हैं जी. सो अब जैसे अब आप हो गए, आपका कभी एकदम हैप्पी मूड है और कभी एक सैड मूड, तो उन मूड्स के लिए आपका गाने कौन से होते हैं जो आप सुनते हो? सैड दे जदों मैं सैड मूड च हुंदी हां तो मैं गिटार चकदी हां, ते मैं एक कोने ते बैठ के नाल नाल गाई जाऊंगी, नाल नाल रोई जाऊंगी. ते जे हैप्पी होवां ता जेडे बहुत पेपी जे बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं हुंदे, कदी कदी मैं ओ सुनदी हां जो बॉलीवुड के कजरारे टाइप जिदे च, ताकि मतलब थोड़ा माहौल जे वधिया रहे, जिवें पूरे स्पीकर्स एंड ऑल ते ला के गेट बंद करके प्रॉपर. चलो दैट्स नाइस. अभी सो हम लोग आगे वाले सेगमेंट में मूव करेंगे जो म्यूजिक सेगमेंट होता है, उससे पहले मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी. जो आपके जो गाने वगैरह जो रहते हैं उसमें आपने मुझे बताया था कि आप लिरिक्स आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गाने की ट्यून्स एंड बेसिक रहता है वो सारा आप ही मतलब उसको बनाते हो, या फिर उसमें आप किसी अपने पेरेंट्स वगैरह की हेल्प या किसी और की हेल्प एंड ऑल लेके बनाते हो? इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि केड़ा प्रोजेक्ट है. कभी कभी हमें होंगे कि जिन्हें लिखे है ना उन्होंने दिमाग च ऑलरेडी एक कॉम्पोजिशन होंगी है जिदे उन्होंने लिखे है, बट स्टिल मैंने लगता है कि एक ही कॉम्पोजिशन भी जो 10 लोग गाएंगे तो 10 अलग तरीके ने गाएंगे, क्योंकि हर एक का एक अपना एक सच्चे वाला लव, ते कुछ मिक्स एंड मैच करके कुछ फोक भी नाल ऐड करूंगी. सो हियर इट इज. सच्चे आना लव हो गया, लव हो गया जट्टी नू तेरे नाल वे. सच्चे आना लव हो गया जट्टी नू तेरे नाल वे. वे मैं दौड़ी दौड़ी जावा पैरे जुत्ते भी ना पावा तेरी चढ़ के चुबारे सुन कॉल वे. सच्चे आना लव हो गया जट्टी नू तेरे नाल वे. सच्चे आना
ਰਾਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ ਮੂਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ ਮੂਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿਆਂ ਮੋਮ ਡੈਡ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਨਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਾ ਤੂੰ ਟਾਲ ਵੇ ਸੱਚੇ ਵਾਲਾ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਸੱਚੇ ਵਾਲਾ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਮੋਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀ ਮੈਂ ਕੈਂਠਾ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਮੋਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੀ ਮੈਂ ਕੈਂਠਾ ਕਢਾਉਣੀਆਂ ਕੈਂਠਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇ ਹੰਡਾਵਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੈਂਠਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇ ਹੰਡਾਵਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਡ ਜਾਣੇ ਬੁਲਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫੱਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਫੱਬ ਦੀ ਦਨਾਲੀ ਵੇ ਤਲਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਭਾਬੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿਣੋ ਬੋਡੀ ਗਾਰਡ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਚਾਲੀ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮਰ ਜਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾ ਖੇਡੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਚੇ ਵਾਲਾ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਸੱਚੇ ਵਾਲਾ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੋਲੀ ਤੁਰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਿਆ ਤਰਖਾਣਾ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸਿੰਗ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਿਆ ਤਰਖਾਣਾ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਮਾ
रिश्ता अनोखा इस रिश्ते दा टुटना अनोखा नी मैं तुर चली मेरी अमड़ी ता रह जूगी कली मेरी अमड़ी नू चुप करायो एदिया पूनिया कत मुकायो एदिया शावा कुंड चुक के ओए होए कुंड चुक के जाके कली में वही रात नू वे अग पानी अच मैं मर गई पानी अच हानिया मैं लाई रात नू वे अग पानी अच मैं मर गई पानी अच हानिया मैं लाई रात नू महाराज दो छाल चुनी मोड़ियां ते सट के महाराज दो छाल चुनी मोड़ियां ते सट के अंबरा ते तारे भी पे डिग देने टुट के अंबरा ते तारे भी पे डिग देने टुट के ओ वेख चन्न उतरेली ठंडी आई रात नू वे अग पानी अच हानिया में लाई रात नू खड़ जांदे राही मेरी सुन के आवाज वे खड़ जांदे राही मेरी सुन के आवाज वे सोने ते सुहागा पैरी झांजरां दा साज वे सोने ते सुहागा पैरी झांजरां दा साज वे ओ वेख जोगियां नू होश मैं भुलाई रात नू वे अग पानी अच हानिया मैं लाई रात नू वे अग पानी अच मैं मर गई पानी अच हानिया मैं लाई रात नू थैंक यू प्यार तेरे नाल किन्ना है तेनू की दसिए जिंद मेरी दा बिन तेरे ना पल वी सड़ना है प्यार तेरे नाल किन्ना है तेनू की दसी जिंद मेरी दा बिन तेरे ना पल वी सड़ना है तू जी ले जीदा होके जीना तेरी मर्जी है पर जिद है साड़ी असी भी तेरे होके मरना है पर जिद है साड़ी असी भी तेरे होके मरना है बंदी अखां विच तू है मेरे ख्वाबां दे विच वसदा तेज नशे दे वांगू जावे साहां दे विच रचदा इश्क तेरे ने पागल कीता बह गया सब भुल के दिल हारे हां हुण ते सजना खुद नू हरना है तू जी ले जीदा होके जीना